अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि अब हमारे पास सिर्फ आज का और कल का दिन है, तो हम सेशन को ज़रा जल्दी जल्दी लेके चलेंगे और मज़ीद लोगों का वेट नहीं करेंगे। लोग ग्रेजुअली फिर हमें ज्वाइन करते रहेंगे। तो कल वाले लेक्चर में कुछ स्लाइड्स रह गई थी, ठीक है, वो मैं पहले कवर कर लेता हूँ। हमने पढ़ा था कि सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर और एक्टुएटर्स क्या होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ लगी हुई होती है, वो होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है जो कि हमारी एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। होता ये है कि दो तरह के डेटा या वैल्यूज़ या एनवायरनमेंट के अंदर ना फिनोमिनाज होते हैं, एक होते हैं एनालॉग और एक होते हैं डिस्क्रीट। एनालॉग जो होते हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, लाइक टेम्परेचर। टेम्परेचर जब एक डिग्री बढ़ता है, लाइक अगर आपका टेम्परेचर पहले एनवायरनमेंट का 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो ये एब्रप्ट नहीं होता कि बैठे बिठाए एक खास सेकंड के ऊपर टेम्परेचर 25 से 26 में चेंज हो जाए, बल्कि ग्रेजुअल चेंज होती है कि 25 से 25.000001 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर 002 3 4 5 6 7 8 9, फिर 25.1 25.2 25.3 4 5 6 7 8 9 होते होते फिर जाके 26 होता है। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस चेंज या चेंज इन द वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। और जो डिस्क्रीट होता है वो एब्रप्ट डेटा होता है कि लाइक हमारे बाइट्स हैं कि या इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा और अगर बटन ऑफ करते हैं तो नहीं होगा, यानी कि एब्रप्ट चेंज आई कि उसकी वैल्यू 1 से 0 में चेंज होगी, इसको कहते हैं डिस्क्रीट डाटा या डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा इसलिए कहा जाता है कि जो डिजिटल डाटा है वो भी डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, ठीक है, वरना जो इसकी एक्चुअल टर्म्स थी साइंटिफिक वो थी एनालॉग डाटा एंड डिस्क्रीट डाटा। तो होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेम्परेचर सेंसर बना रहे हैं, तो जो हमारा टेम्परेचर है वो जब एनवायरमेंट से टेम्परेचर सेंस कर रहा होगा तो वो एनालॉग वैल्यूज को सेंस करेगा, लेकिन जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है और हमारी सारी अगली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो डिजिटल फॉर्म को सपोर्ट करती है, डिजिटल फॉर्म को अंडरस्टैंड करती है। तो होगा ये कि फिर इसके अंदर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होगा जो कि उस एनालॉग वैल्यू को टेम्परेचर की कन्वर्ट करेगा एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उस वैल्यू को फिर डिजिटल फॉर्म में आगे माइक्रो कंट्रोलर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और माइक्रो कंट्रोलर फिर आगे उसको लेके डिजिटल फॉर्म में प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इसी तरह से इसका वाइस वर्सा भी होता है, और वो वाइस वर्सा तब होगा कि जब हम किसी डिजिटल वैल्यू को जो कि माइक्रो कंट्रोलर से आ रही है उसको आगे एक्टुएटर्स को प्रोवाइड करें, और एक्टुएटर्स जो हैं वो एनालॉग डाटा को यूज़ करने वाले हों। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक प्रोग्राम है या हमारा एक सॉरी माइक्रो कंट्रोलर का एक सेटअप है, तो हमने करना ये है कि किसी जगह से ऑडियो लेनी है और उसको फिर मज़ीद इन्हेंस करके, यानी कि उसकी आवाज़ को मज़ीद बढ़ा के हमने आगे पेश करना है, जैसे मेगाफोन में होता है। तो देखिए, जो हम बोल रहे होते हैं ना ये भी कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा, मेरी आवाज़ मुसलसल है। तो होगा ये कि उस सिस्टम में एक माइक्रो कंट्रोलर सॉरी एक माइक्रोफोन लगा होगा। माइक्रोफोन ये करेगा कि कंटिन्यूस फॉर्म में मेरी आवाज़ लेगा, ठीक है, स्टोर करेगा अपने अंदर, आगे भिजवाएगा। आगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होगा जो मेरी आवाज़ के बहुत सारे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करेगा और उन पीसेस की वैल्यू को फिर कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में। वो आगे जाएगी माइक्रो कंट्रोलर के पास, माइक्रो कंट्रोलर उसको उसकी लाउडनेस और पिच और वगैरह वगैरह को इन्हेंस करेगा यूजिंग सम एल्गोरिथम और फार्मूला, और कन्वर्ट करने के मतलब उस इन्हेंस करने के बाद वो उसको भिजवा देगा एक्टुएटर की तरफ, और हमारे यहाँ एक्टुएटर होगा एक स्पीकर। अब स्पीकर में जब साउंड प्रोड्यूस होने लगेगी ना, तो उससे पहले उन डिजिटल पैकेट्स की, वो जो मेरी आवाज़ के बहुत सारे चंक थे ना, उन चंक्स को फिर कन्वर्ट किया जाएगा एनालॉग फॉर्म में, और देन स्पीकर उनको फिर नशर करेगा, ठीक है। वापस जो हमने नशर करनी है वो भी आवाज़ ही है ना, प्रोड्यूस जो करनी है वो आवाज़ ही है स्पीकर में से।
आवाज वही वाली बात है कि वो फिर से एक कंटिन्यूस काइंड ऑफ थिंग है, एनालॉग काइंड ऑफ थिंग है, तो वो फिर दोबारा से उसके डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होगी और देन वो आवाज फिर प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये किट लगी होती है एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फिर जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसका नॉर्मली जो दो आर्किटेक्चर मेजर यूज हो रहे हैं वो एक ARM है और एक ESP32 है। ESP32 थोड़े सस्ते होते हैं, ARM महंगे हैं। और फिलहाल जो रस्ट है जिसकी हमने प्रोग्रामिंग अगले सेमेस्टर में स्टार्ट करनी है, वो ARM की बेस प्रोसेसर्स या माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर तो उसकी सपोर्ट आ चुकी है, ESP वालों में अभी अंडरवे है, आने वाली है। तो ये दो मेजर आर्किटेक्चर है माइक्रो कंट्रोलर के। फिर इसमें 4 से 128 बिट का डेटा पाथ होता है। एक वक्त में इतने बिट आगे जाते हैं माइक्रो कंट्रोलर में और माइक्रो कंट्रोलर उनको प्रोसेस करता है। उसके बाद इसके अंदर इनपुट आउटपुट पिन्स होती हैं, ठीक है, और इनपुट आउटपुट पिन्स जो होती हैं वो उससे हम डाटा ले भी सकते हैं फ्रॉम सेंसर्स, यानी कि हर पिन पे हम कोई सेंसर अटैच कर दें उससे डाटा लेना शुरू कर दें, या हम आउटपुट पिन्स के ऊपर सिग्नल भिजवा के आगे एक्टुएटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक्टुएटर्स और ये सेंसर्स हमने कल डिस्कस किए थे। और इसके अंदर अच्छी खासी पिन्स होती हैं जिसकी मदद से आप एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर होती है, कीपिंग इन व्यू द लिमिटेशन इम्पोज बाय द आर्किटेक्चर। और इसके जो क्लॉक रेट होते हैं वो डेस्कटॉप वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं उनसे तो बहुत ही स्लोअर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर टाइमर लगा हुआ होता है। टाइमर की मिकाल जरूरत पड़ती है जब हमने किसी खास टाइम के बाद कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो, जैसे हम कहते हैं कि हर 5 सेकंड के बाद या हर 1 घंटे के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्रिज वाले एग्जाम्पल लें जो हमने कल परसों डिस्कस की थी, जिसमें वो सेंसर लगे हुए थे जो कि चेक कर रहे थे कि अंडों वाली जो कबर्ट है वो फिल कितनी है, कितने अंडे पड़े हुए कितने नहीं, तो हम सपोज उसमें ये रख देते हैं कि हर 1 घंटे के बाद उसने अंडों की कबर्ट को चेक करना है कि उसमें इस वक्त कितने अंडे हैं। तो उसमें फिर हम टाइमर लगा होगा, टाइमर के थ्रू हम प्रोग्राम करेंगे कि हर 1 घंटे बाद आप जाके वो चेकिंग वाली जो रूटीन है वो चलाओ। ठीक है, फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जैसा कि मैंने आपको बताया वो इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बिल्ट इन होते हैं, और ये यूज होते हैं टू रीड इनपुट फ्रॉम एनालॉग सेंसर्स। उसके बाद इसके अंदर लो पावर मोड सपोर्ट होती है। इसकी वजह ये होती है कि सपोज अगर उस वक्त आप काम नहीं कर रहे, जैसे हमने ये वाली एग्जांपल ली अंडों को चेक करने वाली, उसने अगर हर 1 घंटे के बाद चेक करना है तो ड्यूरिंग 1 घंटा वो कोई काम नहीं कर रहा होगा, यानी कि एक बार उसने चेक कर लिया, अब अगले 1 घंटे में उसने कोई काम नहीं कर रहा। ऐसी सूरत में उसके अंदर एक लो पावर मोड की सपोर्ट होती है कि वो 1 घंटे के लिए लो पावर मोड में चला जाएगा, उस वक्त सिर्फ उसका जो टाइमर है वो चलता रहेगा, वो पावर कंज्यूम करेगा, बाकी सारे फंक्शन जो हैं वेट सेंसर वाले ये वो सब के सब बंद हो जाएंगे, जिससे पावर कम कंज्यूम होगी। फिर 1 घंटे बाद जो टाइमर सिग्नल देगा कि हाँ जी 1 घंटा पूरा हो गया, तो फिर से वो सारे के सारे उसके वो जो सेंसर हैं वो एक्टिवेट होंगे, वो रीडिंग्स लेंगे कि कौन कौन से खाने में वेट है और कौन कौन से खाने में नहीं है, और फिर वो माइक्रो कंट्रोलर उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके डाटा को फिर नेट पे फेंकेगा। नेट पे फेंकने के बाद फिर से अगले 1 घंटे के लिए लो पावर मोड में चलाओगे। ठीक है, उससे क्या हो रहा होता है, पावर सेविंग हो रही होती है। फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की सपोर्ट होती है जिसकी मदद से वो डाटा इन और आउट कर रहा होता है सेंसर से, एक्टुएटर से और इंटरनेट पे। फिर उसके अंदर ऑप्शन होता है कि वो दूसरी ICs दूसरे माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग भी कर सके। उन इंटरफेसिंग के लिए UART, I2C, SPI प्रोटोकॉल वगैरह यूज होते हैं, जिसकी मदद से एक माइक्रो कंट्रोलर जो है दूसरे माइक्रो कंट्रोलर से गुफ्तगू करता है, उसको अपनी डेटा को शेयर करता है, उनसे इंफॉर्मेशन लेता है वगैरह वगैरह। ये जो IoT डिवाइसेस होती हैं ना, ये फिर कनेक्ट होती हैं थ्रू गेटवे और डायरेक्टली सम क्लाउड सर्विस से। इसमें जो मेजर क्लाउड सर्विसेज हैं उनमें उनकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, गूगल असिस्टेंट है गूगल का, फिर एलेक्सा है अमेज़न का, और इसी तरह नेटफ्लिक्स भी एक इसी तरह की एक सर्विस है कि जिसके अंदर जब आप मूवी देख रहे होते हैं अपने फ़ोन के ऊपर, तो मूवी एक्चुअली आपकी कंप्यूटर पे नहीं होती, वो क्लाउड से रन टाइम पे आती है जब आप सेलेक्ट करते हैं, और आप उसको
व्यू करते हैं और देन वो मतलब कुछ में डाउनलोड वाला उस तरह का ऑप्शन नहीं होता कि कंटिन्यूस डाउनलोड हो आपके मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर एक फाइल और देन फिर आप उसको व्यू करें। वो रन टाइम पे चंक्स आते हैं और प्ले होते साथ ही डिलीट भी हो जाते हैं। और उसके बाद आईओटी डिवाइसेस जो हैं उनको चूंकि वो लो पावर मोड में होती हैं उनकी प्रोसेसिंग पावर भी कम होती है तो उनको क्लाउड की वजह से इंटरनेट के थ्रू ह्यूज साइज ऑफ द डेटाबेसेस और ह्यूज कंप्यूटेशन पावर अवेलेबल हो जाती है। तो इससे उनकी वो जो लिमिटेशंस होती है ना वो एक तरह की वर्चुअली रिमूव हो जाती हैं कि जो ही वो नेट से कनेक्ट होती हैं तो नेट से कनेक्ट होकर एक बार डाटा उनको नेट पे भिजवाना होता है उसके बाद तो सारी प्रोसेसिंग फिर आप नेट पे करवा सकते हैं जिससे आपकी जो पावर कंजम्पशन ऑफ द डिवाइस आईओटी डिवाइस वो भी कम हो जाती है क्योंकि तो उसने सिर्फ डाटा लेना है और आगे भिजवा देना है। और सेकंड ये कि प्रोसेसिंग भी ज़्यादा फास्ट और स्टोरेज भी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है एज कम्पेयर टू द वन प्रोवाइडेड बाई द डिवाइस इटसेल्फ। अच्छा अब इसके अंदर ना दो मेजर एरियाज एस्पेक्ट्स होते हैं आईओटी के अंदर। एक होता है डिवाइस साइड। डिवाइस साइड से मुराद ये कि जो आपकी आईओटी साइट है जो आपकी एम्बेडेड डिवाइस साइट है जिसके अंदर वो डिवाइस होती है और ये एक्चुअली एज ए डेटा सोर्स काम कर रही होती है कि इसने सेंसर से डेटा कलेक्ट करना है और आगे भिजवा देना है। और दूसरी होती है क्लाउड साइड कि जहाँ पे क्लाउड जो है वो डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस से जो उससे कनेक्टेड होती हैं डेटा गैदर करते हैं और देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। ठीक है तो दो एरियाज हो गए, एक आ गई आपकी डिवाइस साइड और एक आ गई क्लाउड साइड। ठीक है और यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि सपोज आपकी सिटी है और उसमें आपने जो बागीचे वगैरह हैं इनमें जो वाटरिंग करनी है उन पौधों की और उन सारे एरियाज की, तो उसमें एक तो तरीका ये है कि जनाब हर घर वाला या म्यूनसिपल कमेटी वाले उस तो उधर पानी प्रोवाइड करते रहे डेली बेसिस पे। लेकिन अगर हम ये रूटीन सेट कर दें तो उसमें हो सकता है किसी दिन बारिश हुई हो पौधों को पानी की बिल्कुल जरूरत ना हो लेकिन आप फिर भी पानी दे रहे हो, फिर सर्दियों में गर्मियों में नमी के तनासुब में फर्क होता है तो अब कितना पानी देना है आपको कुछ पता नहीं होगा नॉर्मली अगर सिनेरियो की बात करें। लेकिन अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम आईओटी इन्वॉल्व करें कोई इंटेलिजेंस डालें सारे सिस्टम में, हम सपोज क्या करते हैं कि हम उस एरिया में जो भी एक सिटी है या एक एरिया ऑफ द सिटी है वहाँ पे हम हर फॉर एग्जांपल 500 मीटर के फासले पे ज़मीन में ह्यूमिडिटी सेंसर इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है और उनको फिर हर 1 किलोमीटर के 1 मुरब्बा किलोमीटर में जितने भी वो 4, 5, 6, 8 सेंसर्स आ रहे हैं उन सब सेंसर्स को एक सेंट्रल डिवाइस से जोड़ देते हैं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर से सपोज जितनी भी उस आईओटी गेटवे की डिवाइस की रेंज होगी। होगा ये कि ह्यूमिडिटी सेंसर्स वाले एक डिवाइसेस लगी हुई हैं जिनको हमने हर 500 मीटर के बाद ज़मीन में दबाया हुआ है जो कर ये रहे हैं कि ज़मीन में ह्यूमिडिटी जो करंट उसकी वैल्यू है उसको मॉनिटर कर रही हैं और आगे आईओटी गेटवे को भिजवा रही है। आईओटी गेटवे जो है उस डेटा को फिर क्लाउड पे भिजवा रहा है। क्लाउड क्या कर रहा है, नंबर एक तो ये है कि उस डेटा को स्टोर कर रहा है अपने पास और स्टोर करने के बाद उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग भी कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो एनालिसिस करके उसके रिजल्ट पेश कर रहा है डिसीजन मेकर को और डिसीजन मेकर उस पर कोई डिसीजन लेता है। अब वो रिजल्ट क्या है, वो वैल्यूज क्या हैं, वो क्लाउड क्या प्रोसेसिंग कर रहा है, क्या एनालिसिस कर रहा है और एनालिसिस से आउटपुट क्या निकल रही है और आउटपुट पे डिसीजन मेकर डिसीजन किस तरह के ले सकता है, अब हम इसको इतना जल्दी से अगले आने वाले 3-4 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हमने कहा कि हमने हर 500 मीटर के फासले पे सेंसर इंस्टॉल कर दिए। सेंसर क्या करेंगे, सेंसर हर 1 मिनट के बाद ह्यूमिडिटी चेक करेंगे ज़मीन के अंदर जिस जगह वो इंस्टॉल है और फिर उस डेटा को एवरेज करके 1 घंटे की वैल्यू पे, यानी कि उन्होंने हर 1 मिनट या 5 मिनट के बाद, 5 मिनट हम कर लेते हैं फॉर्मूला, हर 5 मिनट के बाद ह्यूमिडिटी की वैल्यू चेक की और पूरे 1 घंटे में जितनी वैल्यूज आई उन सबको, यानी कि वो आएंगी 12 वैल्यूज,
उन 12 वैल्यूज का एवरेज किया, एवरेज करके जो एक वैल्यू निकली ना, उस वैल्यू को भिजवा दिया अपने लोकल गेटवे के पास। उस लोकल गेटवे ने आसपास की सारे ह्यूमिडिटी सेंसर से एक एक वैल्यू गेट की 1 घंटे के बाद। ठीक है, सपोज उस एरिया में 50 सेंसर लगे थे, तो उस आईओटी गेटवे ने उन 50 सेंसर से एक एक वैल्यू ली, और एक एक वैल्यू क्या है, वो सेंसर वाले एरिया के जिस जगह पे वो सेंसर आपने दबाया हुआ है वहां के पूरे 1 घंटे का एवरेज ह्यूमिडिटी का एक नंबर है, इतनी ह्यूमिडिटी है इस जगह पे। उसने वो फिर भेज दिया क्लाउड के ऊपर। क्लाउड के बाद जब वो डाटा पहुंचा, उसने अपने पास सेव कर लिया। सेव करने के उसकी प्रोसेसिंग की, तो उसने देखा कि इस वक्त करंट ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या आ रही है। अब वो पूरा शहर है, हमने ये डिसाइड किया था कि फॉर एग्जांपल कि एक जो गेटवे है लोकल वो 50 सेंसर्स को सपोर्ट दे रहा होगा, 50 सेंसर से वैल्यू लेके आगे भिजवा रहा होगा। और सपोज हमारा काफी बड़ा शहर है तो उसमें हमने 100 सेंसर्स, 100 गेटवेज लगाए हुए हैं, और हर गेटवे 50-50 ह्यूमिडिटी सेंसर से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से जो क्लाउड है ना, वो उन 100 IoT के लोकल गेटवे से वैल्यू लेगा, और हर गेटवे से उसको 50-50 वैल्यूज आएंगी हर 1 घंटे के बाद। वो तो काफ़ी ह्यूज डेटा बन जाएगा, तो उससे उसको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त मेरे पास सपोज जो शहर का एरिया नंबर ए है वहां पे इस वक्त ह्यूमिडिटी की वैल्यू ये आ रही है, एरिया बी में ह्यूमिडिटी की वैल्यू ये आ रही है, एरिया सी में ह्यूमिडिटी की वैल्यू ये आ रही है। और सपोज उस पे फिर डिसीजन मेकर ने चेक लगाया हुआ था कि अगर तो ह्यूमिडिटी की वैल्यू 50 से कम है तो आप वहाँ पे वाटरिंग एक्टिवेट कर दें, और अगर 50 से ज़्यादा है तो फिर वाटरिंग एक्टिवेट ना करें। ठीक है, अब क्या होगा कि पूरे शहर में जिन एरियाज में वैल्यू ह्यूमिडिटी की 50 से कम आएगी वहाँ पे क्लाउड ऑर्डर देगा उन आईओटी गेटवेज को कि आप यहाँ पे पानी की वो जो एक्टुएटर्स हैं, जो वॉल्स हैं, उनको एक्टिव कर दें फॉर से नेक्स्ट 5 मिनट्स, और 5 मिनट के बाद उनको बंद कर। क्या होगा कि जिन जिन एरियाज की ह्यूमिडिटी की वैल्यू, जमीन की नमी की वैल्यू 50 से कम आएगी, उनके उन जगहों पे वो जो पानी वाले जो शॉवर इंस्टॉल हैं वो 5 मिनट्स के लिए ओपन हो जाएंगे। 5 मिनट्स तक वो आसपास उस एरिया को, जो ग्रास है उसको, या जो लॉन है या पौधे हैं, उनको शॉवर करेंगे पानी से, और 5 मिनट के बाद बंद हो जाएंगे। ठीक है, और जिन एरियाज में ह्यूमिडिटी की वैल्यू, नमी की वैल्यू जमीन में 50 से ज़्यादा है, उन जगहों पे वो शॉवर नहीं खुलेंगे क्योंकि उनमें वहाँ पे जमीन में ऑलरेडी अभी पानी की मकदार है, नमी की मकदार। ठीक है, इस तरह से करके उन्हें इंटेलिजेंस डाल दी कि बजाय इसके कि हम पानी दें ही दें, चाहे वो नमी है नहीं है, चाहिए पौधों को नहीं चाहिए, तो उसकी जगह हमने एक इंटेलिजेंट सिस्टम बना लिया जो पहले डेटा गैदर करते हैं जमीन के अंदर नमी का, और देन उसकी बेस पे डिसीजन लेते हैं कि पूरे शहर में किस एरिया में पानी जमीन को देना है और कहाँ पे नहीं देना, बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ द ह्यूमिडिटी फ्रॉम द सेंसर विच आर इंस्टॉल्ड इन द सॉइल। और इस तरह से फिर वो ना सिस्टम एक्टिवेट कर रहा होगा। ठीक है, तो चूंकि अभी ऑलरेडी हमारे पास टाइम कम है तो हम यहाँ सवालात के लिए नहीं रुकते, और आज का जो हमारा रेगुलर सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हमारा आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ आईओटी डिवाइसेस एंड सर्विसेज। तो इसकी ना मेजर 3 कैटेगरीज आती हैं आईओटी डिवाइसेस की। नंबर 1 है मेकर आईओटी। मेकर आईओटी उन डिवाइसेस को कहा जाता है जो कि हॉबीस्ट ने बनाई होती हैं, या जो लोग प्रोफेशनल नहीं होते उन्होंने बनाई होती हैं। ये क्या करते हैं कि ये आईओटी डिवाइसेस की यूजेज का कोई आइडिया डेवलप करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पानी वाला आइडिया हो गया कि पहले वो पूरे शहर में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी वो पौधों को पानी प्रोवाइड किया करती थी, तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, एक तो ये कि हम इसमें ना इंटेलिजेंस डालते हैं, तो सिर्फ उन जगहों पे पानी प्रोवाइड किया जाए जिन जगहों पे वाकई पानी की ज़रूरत है, और उसके लिए हम प्रॉपर डेटा पहले
रिकॉर्ड करेंगे यूजिंग डिवाइसेस और देन उसकी बेस पे डिसीजन लेंगे कि कहाँ पे कितना पानी देना है। तो ये एक आइडिया आया, फिर देन इस आइडिया को उन्होंने पॉलिश किया और पॉलिश करके उन्होंने डिवाइसेस डिज़ाइन की और डिज़ाइन करके इंस्टॉल कर दी। लेकिन ये सारा काम किसी प्रोफेशनल अप्रोच से, एक कॉरपोरेट या इंटरप्राइज लेवल अप्रोच से नहीं हो रहा था, एक जनरल अप्रोच से उन्होंने ना ये काम किया। ठीक है, तो ये नॉर्मली यूज होते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, आइडिया को एक्सपेरिमेंट करना, उसके ऊपर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट डेवलप करना, एक लिमिटेड पायलट प्रोजेक्ट बनाना, उसको इंस्टॉल करना, उसको रन करना और सक्सेसफुल या अगर उसके अंदर कोई इश्यूज आए हैं तो उनको हैंडल करना। तो वंस जब मेकर आईओटी वाला काम हो जाता है, यानी कि आपने एक लोकल या छोटे लेवल के ऊपर एक आइडिया लिया, उस पर आईओटी डिवाइस बनाई, उस सारे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया एक लोकल लेवल पे, ये सारा आता है मेकर आईओटी के जमरे में। यहाँ से फिर बात आगे बढ़ती है कंज्यूमर आईओटी पे। कंज्यूमर आईओटी क्या होती है? जिस तरह मेकर आईओटी हॉबीस्ट या स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर आईओटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो कंज्यूमर आईओटी कंसिस्ट करती है कमर्शियल डिवाइसेस पे और उसके साथ जो रिलेटेड सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर, जो कि होम या पर्सनल यूसेज को फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कोई होम ऑटोमेशन की डिवाइसेज हो गई, ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की डिवाइसेज हो गई, इंटेलिजेंट कैमरा सिस्टम हो गए, ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम जो होते हैं, ये मैंने कि आप यूँ कह लें कि हज़ारों की तादाद में डिवाइसेज बनती हैं एक पैटर्न के ऊपर, कमर्शियल लेवल के ऊपर, और देन फिर सेल आउट की जाती हैं एंड यूजर्स को, कंज्यूमर्स वगैरह को। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट उसी तरह से जो बेसिक मेकर आईओटी वाले थे वही अप्लाई होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट या एक एरिया के लिए नहीं बन रहे होते, ये कमर्शियल स्केल के ऊपर आप जो है ना चीज़ें बना रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर, अब आपने अगर टेम्परेचर सेंसर्स कोई होम मॉनिटरिंग के लिए बनाने हैं कि हर कमरे में टेम्परेचर सेंसर सॉल्व हो सके, तो आप वो मतलब थाउजेंड ऑफ डिवाइसेस बना लेंगे, आपने 10,000 का एक पूरा बैच बना लिया उन डिवाइसेस का, देन उसको पूरे पाकिस्तान के सभी शहरों में भिजवा दिया किसी चेन ऑफ स्टोर से बात करके, और वो लोग फिर उसको सेल आउट करते रहे और देन फिर आपको रेवेन्यू आता रहा। ठीक है, क्योंकि मेकर आईओटी किसी एक जगह पे फोकस होगी कि आपने फॉर एग्जाम्पल 10 घरों का एक सेट लिया, उसमें उन्होंने आपने वो उसके लिए 10 डिवाइसेज ही बनाई, 10 डिवाइसेज उन घरों में जाके इंस्टॉल की, चेक किया कि देखें चल रही है कि नहीं चल रही, या आपने ऑर्डर बेस्ड सिस्टम शुरू कर दिया कि फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी खोल ली, आपने कहा जी हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम आपके घर को स्मार्ट होम में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। अगर कोई बंदा आपको ऑर्डर देता है तो मार्केट से वो कंपोनेंट खरीदते हैं जो एक उस घर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे, और फिर जाके उस घर में इंस्टॉल करके उसको स्मार्ट होम की शक्ल दे देते हैं, तो वो आ जाता है मेकर आईओटी में। तीसरी चीज़ है एंटरप्राइज आईओटी। जिस तरह से मेकर आईओटी एक बिल्कुल लोकल सिंगल या सम नंबर ऑफ टारगेट एरियाज पे फोकस कर रहा होता है, फिर कंज्यूमर आईटी किसी एक सोल्यूशन पे फोकस करता है, किसी एक चीज़ पे फोकस करता है, किसी एक डिवाइस पे फोकस करता है लेकिन कमर्शियल स्केल के ऊपर, वो एंटरप्राइज आईओटी जो है ना वो बजाय डिवाइसेस के सोल्यूशंस पे फोकस कर रही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक एंटरप्राइज लेवल के इश्यूज को सॉल्व किया जाता है यूजिंग आईओटी डिवाइस या डिवाइसेस। ठीक, और उसमें बेसिकली प्रॉब्लम किस तरह के नॉर्मली आते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंसी इंक्रीज करना, वेस्टेज रिड्यूस करना, इंक्रीजिंग द स्पीड टू मार्केट द प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह से बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलप करना किसी इंटरप्राइज के सिस्टम्स के अंदर, इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, और इन प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस होता है उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, और उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आप मल्टीपल डिवाइसेस, आईओटी डिवाइसेस एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ आईओटी डिवाइसेस इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, जरूरी होता है कि वो एक ही डिवाइस से सारे काम किए जाएं, बल्कि हो सकता है वो कह दें कि यार अब फॉर एग्जाम्पल हमने आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो हम आपके वो जहाँ पे रॉ मटेरियल आता है वहाँ पे भी हम कोई आईओटी का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें, जिससे वो वाला जो इशू है वो एफिशिएंट हो जाए, स्पीडी हो जाए रॉ मटेरियल मैनेजमेंट वाला। देन वहाँ से जब प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट होती है तो वहाँ पे हम कुछ कर लें, फिर जहाँ पैकेजिंग हो रही होती है वहाँ पे कोई और आईओटी बेस्ड सिस्टम इंस्टॉल कर लें, और जहाँ से माल आगे कंज्यूमर या आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ जा रहा होता है वहाँ पे भी कोई आईओटी सिस्टम इंस्टॉल कर लें डिफरेंट तरह का। तो हर एरिया के अंदर
जो जो खामियां आइडेंटिफाई होती हैं या उस एरिया में ऑटोमेशन लाने के लिए, हम उस एरिया के अकॉर्डिंगली कोई सोल्यूशन आईओटी वाला इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये सारे सोल्यूशन मिलके आपके ओवरऑल जो एफिशिएंसी है प्रोडक्शन की किसी एंटरप्राइज की, उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरह से मामला चल रहा होता है कि ये बेसिकली एंटरप्राइज लेवल के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए यूजिंग आईओटी डिवाइसेस ये प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं एंटरप्राइज आईओटी वाले। ठीक है, और आईओटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक नई टर्म अभी मैदान में आ चुकी है, और माइक्रोसॉफ्ट भी आईओटी के ऊपर बड़ा काम कर रहा है। तो उसने फॉलोइंग जो इश्यूज हैं या बेनिफिट्स हैं वो उन्होंने मतलब क्या डिस्कवर किए हैं या डिस्कस किए हैं, सजेस्ट किए हैं कि जो आईओटी है उसको यूज करते हुए हम फॉलोइंग बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं। नंबर एक तो ये कि इम्प्रूव विजिबिलिटी अक्रॉस योर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा कि जब आपको आईओटी डिवाइसेस की वजह से अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के ऊपर मुकम्मल डेटा मिल रहा होगा, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि आपने जो फ्यूचर डिसीजंस लेने हैं वो अपनी करंट रियल टाइम पिक्चर को देखते हुए इंटेलिजेंट और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकेंगे, और इससे आप नुकसान से बच सकेंगे। ठीक है, आपको एग्जैक्टली पता होगा इस वक्त मेरे पास वेयर हाउस में कितने तैयार प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, अभी ऑन प्रोडक्शन लाइन कितने प्रोडक्ट हैं, वो कब तक डेवलप होके आ जाएंगे, मेरे पास खाम माल कितना बड़ा हुआ है, मैंने जो आगे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल दिया हुआ है वो भी कितना सेल आउट हो गया, कितना अभी स्टिल उनके गोडाउन्स में है। इस तरह से जब आपके सामने पूरी बिजनेस की पिक्चर होगी यूजिंग ऑटोमेशन एंड डिवाइसेस इन योर एवरी लाइन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उससे क्या होगा कि आप फिर ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकेंगे अपने फ्यूचर के हवाले से, फिर अपनी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आपको पता है कि आपकी कौन सा एसेट इस वक्त किस तरह से काम कर रहा है, किस लेवल पे काम कर रहा है, कितना बिजी है, कितना फ्री है, कितना यूटिलाइज्ड है, कितना ओवर यूटिलाइज्ड है, कितना अंडर यूटिलाइज्ड है, तो ये सारी अगर डाटा आपके सामने आ रहा होगा तो इसकी मदद से आप अपने यानी कि जो आपकी जो रनिंग कॉस्ट है उसको बड़ा एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेस्ट रिड्यूस करने में आईओटी डिवाइसेस बड़ा हेल्प आउट कर रही होती हैं, जिसमें कि हमने परसों डिस्कस किया था कि इंसान जो है उसकी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज एंड डिक्रीज होती रहती है। जैसे अगर आप सुबह 8 बजे जाते हैं जब जॉब पे, तो आप बड़े फ्रेश होते हैं, पर 3 घंटे के बाद आप थोड़े से डल हो जाते हैं, फिर आप थोड़ा खाना वाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी फिर दोबारा से वो पावर अप थोड़ा सा हो जाते हैं, और देन फिर शाम होते होते तो आप बिल्कुल थके चूर हो चुके होते हैं, जब छुट्टी का टाइम हो रहा होता है। तो सुबह 8 बजे की परफॉर्मेंस में और 4 बजे की परफॉर्मेंस में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, लेकिन मशीनों में ऐसे नहीं होता, मशीनें जब उनको पावर मिलती हैं तो पावर मिलते साथ ही वाले ओवर में जिस तरह से वो काम कर रही होती हैं 6 घंटे बाद भी वो उसी तरह से काम कर रही होती हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई इशू ना आ जाए, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम ना आ जाए उनके अंदर मैकेनिकली या हार्डवेयर वाइज, या इस तरह अगर ऐसा मसला ना हो तो उनके अंदर ये थकने और ये वाले मसाइल नहीं होते। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी ना सिर्फ एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, बल्कि अगर आपका फॉर्मर कोई इस तरह का सेटअप है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है, तो इंसानों की नस्बत मशीनें इन्वॉल्व करने से आपकी वेस्टेज अक्सर बिस्तर देखा गया कि इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि इंसान है, इंसान का मतलब डिपेंड्स अपॉन हिज मूड एंड हिज करंट सिचुएशन कि वो उसको कितना पावर्ड अप है, कितना पावर डाउन है, वो उतनी एफिशिएंसी से कोई काम नहीं कर पाए तो वो रिजल्ट करेगा कि आपकी जो वेस्टेज हो द मटेरियल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज़ काट रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है वो कपड़ा ही काट रहा है, तो कपड़ा काटते हुए उसका हाथ ज़रा सा गलत साइड पे चला जाए, हिल जाए, तो हो सकता है कि वो आपका पीस ऑफ द क्लॉथ ज़ाया हो जाए। ठीक है, लेकिन जब मशीन काम कर रही होगी तो मशीन हर कपड़े को जिस तरह से प्रोग्राम हुई हुई है उसी तरह से काटेगी, उसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग या मैकेनिकल कोई फॉल्ट ना आए तो वो हर कपड़े को बिल्कुल उसी सीध से काटेगी और उसी जगह से काटेगी जिस जगह से उसको काटने का पैटर्न आपने मशीन को दिया हुआ है। जबकि इंसान अगर उसके अखड़ा हुआ काट रहा होगा तो उसका हाथ हिल भी सकता है, थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, ठीक है, उससे आइडिया की गलती हो सकती है, तो वो मे बी थोड़ा सा डाइवर्ट कर जाए, जिस तरह से कटनी होनी चाहिए उस तरह से ना कर पाए एग्जैक्टली।
इम्प्रूव क्वालिटी, कि आपका जो क्वालिटी इशूज़ है वो मशीनें ज़्यादा बेहतर तौर पे आइडेंटिफाई कर लेती हैं, मतलब इंसान की, क्योंकि इंसान से भूल चूक भी हो सकती है, उससे कुछ चीज़ स्किप भी हो सकती है, जबकि मशीनों में चूंकि इंसान मल्टी प्रोसेसर काम कर रहा होता है, हो सकता है कि एक बंदा है उसको घर की परेशानी है, वो उसका जहन उस तरफ लगा हुआ है, तो वो जो ऑफिस का जो काम कर रहा है वो कर तो रहा है, बट उसमें करते हुए उससे कुछ चीज़ भूल चूक हो जाए, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में है, उससे कोई डब्बा परेशानी के आलम में, वो कहीं और सोच रहा है, काम यहाँ कर रहा है लेकिन जहन उसका कहीं और है, जिस तरह कि आप लोगों का अक्सर ही लेक्चर सुनते हुए होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या होता है कि आप जो, जिस तरह मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ तो आप कहीं और ख्यालों में कोई में है, तो ऑटोमेटिकली जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके कान तक जा रहा होगा लेकिन दिमाग तक नहीं पहुँच रहा होगा, तो चीज़ें स्किप हो जाएगी। सेम इज़ अ वे विद दैट सिनेरियो, हो सकता है कि अगर कोई बंदा क्यूसी चेक लाइन पे खड़ा हुआ है तो वो अपने किसी ख्याल में गुम है, वहाँ खड़ा हुआ तो है, हाजिर तो है, प्रेजेंट तो है, बट मेंटली प्रेजेंट नहीं है, उससे कुछ चीज़ स्किप हो जाती है, उसको नज़र डब्बा वो जिसमें कोई गलत फॉल्टी प्रोडक्ट जा रही है वो उससे स्किप हो जाता है, तो आगे जा सकता है, लेकिन अगर उसके जगह मशीन होगी तो मशीन को जो काम दिया गया है, मशीन उसको एफिशिएंटली इफेक्टिवली उसको फोकस करते हुए यूज, मतलब वो कर रही होगी परफॉर्म एक्टिविटी, तो उससे वो स्किप होने का चांस बड़ा कम होगा। ठीक है, और इसी तरह से टेलीकॉम कंपनी AT&T जो है वो फॉलोइंग बेनिफिट्स डिस्क्राइब करती है, किसी सिटी के अंदर स्मार्ट डिवाइसेस को अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो, और वो रियल टाइम डेटा देना शुरू करते हैं, जिस तरह कि पार्किंग का डेटा, ट्रैफिक का डेटा, कोई वायलेंट एक्टिविटीज़, कोई जराइम हो रहे हैं, इसी तरह से एयर क्वालिटी वगैरह के अगर हम सेंसर्स लगा देते हैं किसी सिटी में, तो इससे क्या होगा कि नंबर एक जो कि सिटीजन सेफ्टी इन्हेंस हो जाएगी, जिस तरह कि हमारे अगर हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि कैमरे पूरी एरिया को कवर कर रहे होते हैं, तो कहीं पे भी कोई जराइम की एक्टिविटी होती है तो नंबर एक तो ये कि जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती है, और नंबर टू ये कि वो जराइम पेशा अफराद अगर कोई खतर, मतलब कोई लूट मार करके भाग रहे हैं, तो चूंकि पूरे शहर में कैमरे लगे हैं तो आप उन कैमरों की मदद से रन टाइम में ट्रैक कर सकते हैं, कि आप फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि यार एक बंदा है उसने कोई वारदात की है 0 पॉइंट के ऊपर, और अब वो अपारा की तरफ उसकी गाड़ी जा रही है, तो आप वो कैमरास एक तो जो पूरे एरिया में लगे हुए हैं उनकी मदद से उनको फुली मॉनिटर कर सकते हैं, देन फिर आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जनाब आपके जो मुजरिम है वो इस वक्त अपारा की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त फलां पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं, तो आप उस पॉइंट से आगे पिकटिंग कर लें और उनको पकड़ लें। ठीक है, फिर आपकी पब्लिक सर्विसेज बड़ी इन्हेंस हो जाती है, जैसे वाटर कंट्रोल आ गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल आ गया, अगर आपके सेंसर्स लगे हुए हैं आपके ग्रिड सिस्टम में, तो जू ही कहीं लाइट जाती है तो बजाय इसके कि कोई आपका कंज्यूमर आपको फोन करके बताए कि जी लाइट नहीं आ रही है और आप इसको ठीक करने के लिए टीम भेजें, जू ही लाइट जाएगी आपके सेंसर्स आपको बताएंगे कि जी फला एरिया में जो है ना लाइट ख़त्म हो गई है, तो अपनी टीम भेजें ताकि वो जाके आइडेंटिफाई करे कि क्या फॉल्ट आया और देन उसको रिजॉल्व करे। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है सारे सारी IoT डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सेलिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो जून जून ये IoT डिवाइसेस का कारोबार फरोख पाते हैं, आपकी इकोनॉमिक जो है ना, इकोनॉमिक्स जो है कंट्री की वो भी ग्रो करती है, फिर आपका ट्रैफिक फ्लो इम्प्रूव हो सकता है यूजिंग IoT डिवाइसेस के, आप जितने इशारे हैं उनको स्मार्ट बना दें, वो जो इशारा खुलने और बंद होने का टाइम होता है वो डिसाइड करें, नंबर ऑफ व्हीकल जो उस साइट पे खड़ी हुई है, अगर वहाँ पे कम व्हीकल्स हैं तो इशारा कम टाइम के लिए खोलें, अगर कोई भी व्हीकल नहीं है तो इशारा सिरे से ही ना खोलें। यहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा अक्सर कभी होता है कि इशारा जिस साइट का खुला हुआ है उस साइट पे कोई गाड़ी नहीं होती, तो बाकी साइट्स पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लेकिन इशारा बंद है, और जिस साइट का इशारा खुला है वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है जो उसको यूटिलाइज करे, तो इशारा तो अपने टाइम पे फिर बंद होता है 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद, और फिर दूसरी साइड का खुलता है, तो अगर वहाँ पे इंटेलिजेंट स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स लगी होंगी, सिग्नल लाइट्स लगी होंगी, तो वो साथ साथ सेंस कर रही होंगी कि जिस तरफ का इशारा खुला है वहाँ पे कोई गाड़ी है भी कि नहीं है, अगर नहीं है गाड़ी तो बजाय इसके कि ख्वाब ख्वाब में 2 मिनट इशारा खोल के रखो और वेट करते रहो, वो फ़ौरन से उसका जो इशारा है वो रेड कर देगी और दूसरी तरफ का इशारा जहाँ पे गाड़ियाँ आ चुकी हैं वो खुल जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर इसी तरह इन्वायरमेंट, आपके पोल्यूशन कंट्रोल, आपका टेम्परेचर कंट्रोल, आपका एयर क्वालिटी कंट्रोल, इसकी बेस पे आप डेटा पूरे शहर से सेंसर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी बेस पे जो इन्वायरमेंट है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई स्टेप्स उठा सकते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरह सिविक एंगेजमेंट जो है आपकी वो बड़ी हाई हो सकती है यूजिंग ऑल दोज IoT डिवाइसेज, जिसकी वजह से आप इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं सिटीजन से या उनके सोसाइटी से, बल्कि आप उसको दे भी सकते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वो जो क्लाउड के ऊपर जब डेटा जाता है और उसके बाद आप उसके
इंटरफेसेस बनाते हैं जिसकी मदद से वो जो एनालिसिस हुआ है उसके रिजल्ट्स लोग देख सकें, तो उससे भी आप लोगों को इंफॉर्म्ड इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट होगी सोसाइटी की तरफ कि जनाब इस वक्त करंटली आपके शहर में फ़लाँ चीज़ की ये सूरत हाल है, फ़लाँ चीज़ की ये सूरत हाल है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद हम यूँ करते हैं कि अभी लेते हैं 5 मिनट की ब्रेक, 4 मिनट की, और 10:40 में हम सेशन को ना दोबारा कंटिन्यू करेंगे। लिंक में अभी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे दोबारा 10:40 पे।